सम्मान, मनुष्य के जीवन में सम्मान का बहुत अधिक महत्व है। वो उसे अपने हृदय, अपने मन से जोड़कर रखता है। कदाचित इसीलिए हम शत्रु के सम्मान पर चोट पहुंचाते हैं ताकि उसे पीड़ा पहुंचाई जा सके। परंतु ऐसा करने से सावधान रहे मित्रों, शरीर पर लगी चोट मनुष्य भुला सकता है, परंतु उसके सम्मान को लगी चोट उसे जीवन भर पीड़ा देती है। और स्त्री के मान सम्मान पर लगी चोट उसे उस सीमा तक ले जाती है जहां उसे केवल प्रतिशोध दिखाई देता है। यदि अपने शत्रुओं को जीतना है तो प्रेम से जीतिए, अपने कर्मों से जीतिए, उन्हें अनुभव करवाइए कि उनसे भूल हुई है। किसी के सम्मान को ऐसी चोट ना पहुंचाइए कि वो आपका नाश करने पर उतर आए। स्मरण रखें, किसी का अपमान करके आपके हृदय को कदाचित थोड़ा संतोष आ जाए, परंतु उस अपमान से आप कई हृदयों को आघात पहुंचाते हैं और अपने लिए एक शत्रु और बढ़ा लेते हैं। यह के कहोस उस अभिमानी द्रौपदी से कि उसके नए स्वामी दुर्योधन ने उसे अपनी अपनी सेवा में उखाड़ा है। रुको प्रतिकामी, सभा का नियम था कि कोई भी राज स्त्री सभा में उपस्थित नहीं होगी। पांचाली कुल वधु है, उसे यहां आने की अनुमति नहीं। पितामह, कदाचित आप भूल रहे हैं कि पांचाली ना तो सम्राज्ञी है अब और ना ही गुरुवंश की कुलवधु। वो मात्र एक दासपत्नी है। बस करो दुर्योधन, बस करो। अधिक अनर्थ करने का प्रयत्न किया तो उसका परिणाम कहीं भयावह ना हो। महामहिम, नियम ये था कि कोई राष्ट्रीय सभा में नहीं आएगी, परंतु दासी को सेवा के लिए सभा में आने का नियम सभी ने स्वीकार किया था। गांधार नरेश, अपनी सीमा में रहो, कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपनी सीमा भूल जाऊं। शकुनी ठीक कह रहा है ताचरी। अब यदि द्रौपदी पुत्र दुर्योधन की दासी है तो उसे सेवा के लिए सभा में बुलाने का अधिकार दुर्योधन को है। नियम अधर्म को रोकने के लिए बनाए जाते हैं महाराज, अनर्थ और अधर्म करने के लिए नहीं। अपने इस पुत्र को रोकिए, कहीं ऐसा ना हो कि मैं इसे नाश करने की प्रतिज्ञा ले बैठूं। एक और प्रतिज्ञा लेने से पूर्व ताचरी, अपनी उस प्रतिज्ञा का स्मरण कीजिए जो आपने वर्षों पूर्व ली थी। वो प्रतिज्ञा जो आपको हस्तिनापुर के सिंहासन से बांधती है, वो प्रतिज्ञा जो आपको मेरा विरोध करने से रोकती है। यदि ऐसा है तो ठीक है, मैं आपका विरोध नहीं कर सकता, परंतु मैं इस अनर्थ का भाग नहीं बन सकता। यह अधिकार मुझे है, इसलिए मैं इसी समय इस सभा का परित्याग करता हूं। महामहिम, प्रतिज्ञा जो आपने की थी हर परिस्थिति में गुरुकुल का साथ देने की, प्रतिज्ञा जो आपने की थी कि हर निर्णय में महाराज धृतराष्ट्र का साथ देने की,
वही प्रतिज्ञा आपको इस सभा का त्याग करने के लिए भी रोकती है महामहिम। क्या आज आप अपना वचन तोड़ना चाहते हैं महामहिम? चाहे तो आप स्वयं अपने धर्म का वध कर सकते हैं, परंतु जब तक महाराज धृतराष्ट्र आपको आज्ञा नहीं देते तब तक आप इस सभा का त्याग नहीं कर सकते। ये आपकी प्रतिज्ञा भी है और बंधन भी। आज प्रथम बार मुझे ये प्रतीत होता है कि कदाचित मुझे ये प्रतिज्ञा नहीं लेनी चाहिए थी। जिस इच्छा मृत्यु को मेरे पिता ने मुझे वरदान स्वरूप भेंट किया था वह श्राप प्रतीत होती है। तुम्हारा प्रतिशोध पूर्ण हुआ, मत करो ये अनर्थ। प्रतिशोध पूर्ण हुआ? प्रतिशोध तो अभी आरंभ हुआ है मित्र, और अब इसके मध्य में तुम्हें भी नहीं आने दूंगा मित्र। प्रतिकामी जाओ और जाकर उस दासी द्रौपदी को सभा में प्रस्तुत होने का आदेश दो, आदेश दो, आदेश दो, आदेश। क्या ये आदेश मेरे पति का है? जी नहीं, ये आपके स्वामी का आदेश है। सम्राट युधिष्ठिर आपको द्युत में हार चुके हैं और अब आप सम्राट दुर्योधन की दासी हैं। पहले ये बताओ कि धर्मराज द्यूत में पहले स्वयं को हारे या मुझे? पहले वो स्वयं को हारे देवी। तो फिर जाओ और जाकर पूछो सभा में, जो व्यक्ति स्वयं को दांव पर लगाकर हार चुका हो क्या उसे किसी और को दांव पर लगाने का अधिकार है? जाके कह दो दुर्योधन से कि याज्ञ सेनी द्रौपदी ना उसकी दासी है और ना ही उसका दासत्व स्वीकार करती है, इसलिए उसके आदेश पर मैं सभा में प्रस्तुत नहीं होंगी। जाओ और जाकर कह दो दुर्योधन से कि द्रौपदी ने कभी अपने पति को उसे दांव पर लगाने का अधिकार ही नहीं दिया, तो फिर हारने का कैसा अधिकार है? और उससे कहना कि यदि उसकी भुजाओं में इतना बल है तो मुझे स्वयंवर में जीतता। पापी और छली की भांति युद्ध खेलने वाले को मैं अपने जीवन का अधिकार नहीं देती, अधिकार नहीं देती, अधिकार नहीं देती, अधिकार नहीं देती, अधिकार नहीं देती। अधिकार अधिकार दुशासन भाई होने के नाते तुम्हें ये अधिकार देता हूं कि तुम
मेरा अपमान करने वाली उस दासी को, उस अभिमानी द्रौपदी को अपने इन भुजाओं से उसके बाल पकड़कर बलपूर्वक खींचकर इस सभा में लेकर आओ। उस दासी को यहां लेकर आओ। नहीं दुर्योधन, नहीं दुशासन, ऐसा मत करना। आओ दान दुशासन, यदि पांचाली को स्पर्श भी किया तो तुम सब भाइयों का सर्वनाश कर दूंगा। मौन रहो बैल भीम, मत भूलो के तुम सब दास हो और दासों का धर्म उसके स्वामी के विरुद्ध बोलने की या शस्त्र उठाने की अनुमति नहीं देता, नहीं देता, नहीं देता। भूल जाऊंगा सब धर्म, भूल जाऊंगा और विनाश कर दूंगा तुम सबको, विनाश कर दूंगा। यदि अपने ज्येष्ठ के वचनों का निरादर करना है तो जाओ, हम आपको स्वतंत्र करते हैं, हैं? परंतु यहां से जाने से पूर्व इस सभा से और अपने ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर से यह कह दो कि तुम ना उनका धर्म स्वीकार करते हो और ना ही उनका अधिकार। दुशासन, मौन एक भांति स्वीकृति होती है। पांडवों ने द्रौपदी को इस सभा में लाने की अनुमति दे दी है। खींच कर आज बालों से। हाँ आज जाओ, जाओ दुशासन, आज खींच कर। महारानी, आप यहाँ से निकलिए और अपने सम्मान की रक्षा कीजिए। कुमार दुशासन को आपको बलपूर्वक लाने का आदेश दे दिया गया है। और वहाँ चल हट यहाँ से। मेरी अनुमति के बिना मेरे कक्ष में प्रवेश करने का दुस्साहस कैसे किया तुमने? मैं साम्राज्ञी हूँ, हस्तिनापुर की कुल वधु तुम्हारी भाभी हूँ। दुष्ट, इतना बड़ा अपमान भूल मत कि मैं याज्ञ सेनी द्रौपदी हूँ। अपने सम्मान की रक्षा करना मुझे भली भांति आता है। न तुझ में इतना साहस है और ना उस नीच दुर्योधन में कि मुझे दासी बनाकर अपने समक्ष प्रस्तुत कर सके। अग्नि की शिखा को बांधा नहीं जा सकता दुशासन, और यदि साहस है तो कुरुवंश की कुलवधु को महारानी की उपस्थिति में ले जाने का प्रयत्न करो। धृतराष्ट्र, अब भी समय है पुत्र मोह में। इतने भी अंधे मत हो जाओ, इस अनर्थ को रोक लो।
अग्नि को इतना भी प्रज्वलित न करो कि समूह कुरुवंश इसमें स्वाहा हो जाए। दासियों के मस्तक पर चूड़ामणि शोभा नहीं देती। परंतु वीरांगना के हाथ में खड़ा कवच शोभा देता है। दुष्ट दुशासन, समझ में नहीं आती दासी कि तेरा प्रतिकार जितना बढ़ेगा तेरे अपमान की पीड़ा उतनी ही बढ़ेगी। आज अग्नि तो क्या पांच तत्व मिलकर भी तेरा मान मर्दन होने से नहीं रोक सकते। Ooh.